ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चातदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री उपदेशामृत के सीरीज में सभी भक्तों का स्वागत है, और जो सभी भक्त इकट्ठा हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब एकत्रित आए और श्रील रूप गोस्वामी के इस महान रचना जो है श्री उपदेशामृत सुनने के लिए एकत्रित हो, थैंक यू वेरी मच। तो ये लिटरेचर जो है, ये रचना जो है 11 श्लोकों का बना है। हम इसकी एकदम अद्भुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे और लाखों में एक रचना है, ये इतना सुंदर रचना है इस ग्रंथ का। ये 11 ही श्लोक है, ओनली 11 वर्सेस, बट इट इज वन ऑफ द मिलियंस लिटरेचर। और उसके रचयिता है श्रील रूप गोस्वामी। आप सब जानते हो श्रील रूप गोस्वामी कौन है? चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को पूर्ण रूप से जान लिए थे। तो श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और उनके और एक भाई अनुपम जो है, पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु को मिले रामकेली में, दिस इज इन 1514 में, पहली बार चैतन्य महाप्रभु को ये तीनों भाई मिले। उसके पहले श्री सनातन गोस्वामी का नाम जो था वो अमर था, फिर रूप गोस्वामी का नाम जो था संतोष था, और अनुपम प्रभु का नाम था वल्लभ। तो मुसलमानों के दबाव में आने के कारण और उनके यहाँ मिनिस्टर बनने के कारण, या दोनों भी जो है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वेर वर्किंग एज अ मिनिस्टर, तो नवाब हुसैन के राजा के अंडर में वो मिनिस्टर के रूप में काम करते थे, और फोर्सफुली उनका नाम चेंज किया गया था। तो सनातन गोस्वामी का नाम हुआ साकार मलिक, और बाद में रूप गोस्वामी का नाम हुआ दाबिर खास। तो मतलब अमर का नाम हुआ साकार मलिक और संतोष का नाम हुआ दाबिर खास। फिर जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार रामकेली में मिले, जैसे मैंने कहा 1514 में, वहां पे चैतन्य महाप्रभु उन्हें नाम दिए, तो वो नाम था रूप। तो रूप गोस्वामी का नाम रूप, सनातन तो सनातन गोस्वामी बन गए बाद में, फिर अनुपम, पहले उनका नाम वल्लभ था तो अनुप बन गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु, ऑफकोर्स इसे दीक्षा नहीं कहा जाता, बट चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें
अपने पार्षद के रूप में स्वीकार किए और उनको ये नाम दे दिए, सनातन, रूप और अनूप। तो जब चैतन्य महाप्रभु को वापस दोबारा मिलने गए, उस समय तो वो कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे नवाब हुसैन के अंडर में, तो बाद में सब कुछ छोड़ देते हैं और वापस चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं 1516 में, दैट इज 1516। तो वहां पे प्रयाग में मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु को श्रील रूप गोस्वामी। और ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को पहले से ही जानते थे, इसलिए उनको करीबन 10 से 11 दिन तक उन्हें उपदेश दिए, 10 से 11 दिन तक उन्हें उपदेश दिए और बाद में उन्हें गौड़ीय वैष्णव सांप्रदाय के आचार्य बनाए, अभिधेय आचार्य बनाए। अभिधेय का अर्थ होता है प्रोसीजर, कार्य, विधि, भक्ति से संबंधित विधि या कार्य करना, उसको अभिधेय कहा जाता है। और हम सब श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी है, इसीलिए हमें रूपानुगा कहा गया है। हम सब कौन है? रूपानुगा, अनुगा मतलब रूप गोस्वामी के अनुगा, उनके पद चिन्हों पर या उनके उपदेशों को मानकर, रिस्पेक्ट देकर, उसके हिसाब से हम अपना जीवन व्यतीत करने वाले, इन्हें रूपानुगा कहा गया है। वैसे श्रील रूप गोस्वामी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्ज्वल नीलमणि है, ललित माधव है, विदग्ध माधव है, लघु भागवतामृत है, राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका है, ऐसे कई ग्रंथ लिखे। और ये उपदेशामृत जो है, श्री उपदेशामृत, ये भक्ति रसामृत का सार है। भक्ति रसामृत का ये सार है। मैं अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सबसे शेयर करूंगा, जरा जैसे ही आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखता है तो आप कृपा कर हैंड रेज कीजिए। यस, कैन यू सी? आप देख पा रहे हो? क्लियर? ओके, तो आज हम उपदेशामृत का इंट्रोडक्शन जो है, आज सिर्फ उपदेशामृत का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित है। तो मंगलाचरण तो हमने किया है, बट देर इज अ स्पेशल ग्लोरिफिकेशन, प्रणाम मंत्र जो श्रील रूप गोस्वामी के लिए लिखा गया है। शुद्ध्यर्थ मम देहस्य जल स्नानम करोमि अहम्, श्री रूप वाक सुधा स्नानम स्व आत्मना परिशुद्धये। अपने शरीर को साफ रखने के लिए मैं प्रतिदिन पानी से स्नान करता हूं, लेकिन मेरे आत्म के शुद्धिकरण के लिए मैं श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों के द्वारा, उनके वाक्यों के द्वारा, उनके उपदेशामृत के द्वारा स्नान करता हूं। ये बहुत ही सुंदर लिखा गया है।
तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन के विचार को या मन के इच्छा को जान लिए, इसीलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्। श्री चैतन्य मनोभिष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को स्थापित करने हेतु, कहाँ स्थापित करने हेतु, भूतले पूरे पृथ्वी पर स्थापित करने हेतु, स्वयं रूप कदा मतलब कौन है ये, श्रील रूप गोस्वामी स्वयं, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को स्थापित करने के लिए, हाँ, प्रकट हुए। वो कब, ददाति मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्, मुझे कब वो अपने चरणों का आश्रय देंगे। वेन विल रूप गोस्वामी हु हैज एस्टैब्लिश विद इन दिस वर्ल्ड द मिशन टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु गिव मी शेल्टर एट हिज फीट। ये बहुत ही सुंदर श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने श्री प्रेम चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस तरह से लिखते हैं। तो अगर ये उपदेशामृत देखा जाए तो ये हम साधकों के लिए सारे ग्रंथों में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। ये बहुत ही सुंदर, एक्चुअली अगर ये हमें ग्रंथ नहीं मिलता, हाँ, हमें ऐसा भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, ये ग्रंथ हमें सिर्फ उन्हीं के कारण मिला है। हम देखेंगे कैसा है क्या नहीं। और ये ग्रंथ जो है अभी भी अगर आप वृंदावन जाओगे, टेर कदम जानते हैं, हम सब लोग यात्रा लेके जाते तो टेर कदम जाते हैं, तो टेर कदम में ये ग्रंथ ओरिजिनल उपदेशामृत लिखा हुआ जो है, एक 11 श्लोकों की रचना जो है, एक छोटे से ग्रंथ के रूप में आपको प्राप्त होगा या उसके दर्शन होंगे, आपको दर्शन मिलेंगे करने के लिए। ये मैं 15 साल पहले किया था, बाद में मैं भूल गया, अभी जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि इसके दर्शन हम 15 साल पहले किए हैं, उसके बाद फिर भूल गए थे, तो हम भी मतलब यात्रा लेके जाते तो इसके इसके बारे में विचार भी नहीं आया। तो ये ग्रंथ आप वृंदावन जाओगे तो ऑफ कोर्स जब भी यात्रा जाएगी तो मुझे याद कर देना, या आप याद से, वहां पे एक पुजारी है, उस पुजारी को अगर कुछ लक्ष्मी दोगे आप तो बड़े आनंद से वो इस ग्रंथ के दर्शन आप सभी को करवाएगा। और ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है, हम तो इसे जानते हैं, यू कैन सी दिस, दिस इज उपदेशामृत, है ना, ये उपदेशामृत है, हम पढ़े तो है, लेकिन सचमुच अगर इसे अच्छी तरह से अगर जान जाए, हाँ, और इसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे तो 101%, हाँ, यू विल बी अचीव कृष्णा सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के अध्यक्षता में भगवान की सेवा, वो भी नित्य धाम में, नॉट भौम धाम, नित्य धाम में सेवा करने का सुअवसर निश्चित रूप से प्राप्त होगा, ऐसे हमारे आचार्य टीका में लिखे हुए हैं। तो हम जस्ट इसका जो है पूर्व पुनर्विचार जो है, जिसके ये बुक का रिव्यू जो है, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें 11 श्लोक है, आप सब जानते भी हैं, नए भक्त शायद नहीं जानते, लेकिन उपदेशामृत में 11 श्लोक हैं, और ये 11 श्लोक इतने प्रभावशाली शिक्षाएं हैं,
हाँ, तो वो एक सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार से लेकर वैधी भक्ति की आरंभ कैसे करना है और धीरे 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 रागानुगा भक्ति तक पहुंचकर, हाँ, श्री राधा कुंड में या श्री राधा कुंड के तट पर हम अगर साधना करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होती है, ऐसे हमारे ग्रंथकार लिखते हैं। तो पहला जो श्लोक है ये हमारे प्रारंभिक जो शुरुआत के जो समस्याएं हैं भक्ति में, जब शुरुआत होती है और उस समय जो समस्याओं का अनुभव होता है, उस अनुभव या उस समस्याओं से कैसे तरना चाहिए, इस विषय में चर्चा की है पहले श्लोक में, और दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में। जैसे कि हम जानते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात, फिर अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। हाँ, सामान्य भक्तों के साथ या सामान्य कर्मी लोगों के साथ और भक्तों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। हम भक्ति का मार्ग तो अपनाए हैं, लेकिन बाहर के लोगों के साथ और भक्तों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है और कैसे अनुकूल वातावरण अपने आप में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कैसे अनुकूल वातावरण तैयार करना है, और अनुकूल चीजों को स्वीकार के प्रतिकूल चीजों को वर्जित, मतलब उनसे दूर रहकर भक्ति में आगे बढ़ने के विषय में इन तीन श्लोकों में चर्चा की गई है। पांचवें और छठवें श्लोक में भक्तों के लेवल्स जो है उस विषय में चर्चा की है, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। हाँ, तो कनिष्ठ अधिकारियों के साथ कैसे रहना है, मध्यम अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और उत्तम अधिकारियों को तो निश्चित रूप से सेवा से उनके हृदय को जीतना है, और साथ ही साथ जो उत्तम अधिकारी है, शुद्ध भक्त जो हर हमेशा मन से ब्रज में निवास करते हैं, उनकी तो हमें सेवा करनी ही चाहिए, इस विषय में चर्चा की है। सातवें और आठवें श्लोक में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान गाया है, हाँ, और किस तरह से इस हरिनाम के प्रति हमें रुचि डेवलप करना चाहिए, और जब रुचि डेवलप होता है तो ब्रज में मन से या शरीर से ब्रज में निवास करने वाले उत्तम भक्तों की सेवा। अगर सपोज कोई उत्तम भक्त ब्रज में नहीं रहता है लेकिन कहीं और जगह रहता है, लेकिन मन से हर हमेशा वृंदावन में, ब्रज में रहता है, तो उसकी सेवा करने से हमें वैसा ही अनुभव होता है कि हम भी ब्रज में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो ब्रज में रह रहा है और हम उनकी जब डायरेक्ट भी सेवा करते हैं तो वो व्यक्ति भी जो सेवा करने वाला भक्त है, साधक है, उसे भी ब्रज का अनुभव होता है। नौवें, दसवें और ग्यारहवां श्लोक जो है यहाँ पे धाम की महिमा का गुणगान गाया गया है, जैसे वैकुंठ से ऊपर मथुरा है, मथुरा से ऊपर वृंदावन है, वृंदावन में गोवर्धन श्रेष्ठ है, और गोवर्धन में भी श्री राधा कुंड जिसे प्रेम कुंड भी कहा गया है। हाँ, राधा रानी का आश्रय लेकर हमें राधा कुंड में या राधा कुंड के तट पर, हाँ, साधना करते हुए जिस भाव में भी हम साधना करते हैं राधा कुंड के तट पर रहकर, हाँ, साधना जिस भाव में भी करते हैं, तो हमें
ये शरीर को त्यागने के बाद नित्य धाम में उस भाव के अनुकूल या उस भाव के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है और श्रीमती राधा रानी के अध्यक्षता में हम भगवान की सेवा करते हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। तो इस तरह से यहाँ पे इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। तो हम आप देखते हैं ओरिजिन ऑफ श्री उपदेशामृत, इसका मूल जो है ये कहाँ से है। तो यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, जो श्रील प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद के गुरु हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने श्री उपदेशामृत पर कमेंट्री लिखी है जिसका नाम अनुवृत्ति है। तो इस अनुवृत्ति के अंत में उन्होंने कुछ लिखा है जिसको श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत लिखने के पीछे क्या महत्व है, इसकी चर्चा हुई है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से लिखते हैं, गोविंद वचने जानी हिया गौरांग वाणी, अप्रकट काले सार कथा, नीलाचले सिंधु तीरे श्री गौरांग धीरे धीरे, बलिला सुनीला सुनील भक्त तथा, गोविंद वचने जानी। इस तरह से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, हाँ, गोविंद जो है एक कवि होके गए, ओरिसा के कवि थे गोविंद देव बोल के, जो श्री वक्रेश्वर पंडित के परंपरा में या उनके डिसिप्लिक लाइन में आते हैं। गोविंद देव कवि इस तरह से लिखते हैं, हाँ, क्या लिखते हैं हम देखेंगे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से कह रहे हैं, गोविंद वचने जानी, मगर गोविंद के वचनों को जो है मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, क्योंकि उनके वचन गौरांग वाणी के जैसे ही है, मतलब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के वाणी ही है। क्या हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीला की समाप्ति करने जा रहे थे उसके थोड़े समय पहले, अप्रकट काले मतलब अप्रकट होने जा रहे थे, उस समय कुछ कथा करते हैं, कुछ उपदेश सुनाते हैं, कुछ भक्तों को लेकर, कहाँ पे, नीलाचले सिंधु तीरे, मतलब जगन्नाथपुरी में जो समंदर है उसके तट पर, उसके यहाँ कुछ भक्तों को लेकर वहां पे बैठे थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे कह रहे, धीरे धीरे नीलाचले सिंधु तीरे श्री गौरांग धीरे धीरे, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में एकदम धीमे धीमे, हाँ, एकदम धीरे धीरे स्लो वॉइस में, हाँ, बलीला, हाँ, बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, उपदेश, और भक्त लोग ध्यान से सुन रहे थे, सुनील भक्त तथा, समझ गए ना। आई एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ गोविंदा टू बी द वर्ड्स ऑफ गौरांग विच वेयर हिज एसेंशियल टीचिंग्स एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। श्री गौरांग कामली स्पोक दिस ऑन द सी शोर एट नीलाचल व्हाइल द डिवोटीज देयर लिसन्ड। तो आगे लिखते हैं, गौर मुख उपदेश, गौरांग चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से या उनके, हाँ, मुख कमल से ये उपदेश निकले। वो उपदेश कैसे थे, सर्व अमृत शेष। अभी देखो ये दो शब्द, गौर मुख उपदेश सर्व अमृत शेष, सारे उपदेशों का वो सार था। इसीलिए इस
रचना का नाम है श्री उपदेश अमृत, गौर मुख उपदेश सर्व अमृतर शेष, मतलब सार है अमृत में, सारे अमृतों का ये सार है। तो इसको कौन सुन रहे थे? श्री रूप गोस्वामी प्रभु वर, वर मतलब ग्रेट लीडर, प्रभुओं में या भक्त गणों में श्री रूप गोस्वामी लीडर है, श्री रूप गोस्वामी प्रभु वर। कैसे सुन रहे थे? कर्ण द्वारा पान कर, कानों के माध्यम से उसका पान कर रहे थे, उस उपदेशों का पान कर रहे थे, उसको ध्यान से सुन रहे थे। सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे मगर लेखनी थे ताहा धरी, उनके हाथ में पेन और नोटबुक था। सच स्टूडेंट इज अ ग्रेट स्टूडेंट, इसलिए उसे प्रभु वर कहा गया। वो सिर्फ सुन नहीं रहे लेकिन सुनते सुनते कुछ पॉइंट्स का भी नोट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स का भी नोट कर रहे हैं। क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हृदय को वो जानते हैं, उनकी इच्छा को जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहां पे क्यों अवतरित हुए। कलि जीवे दिल हार हर, कलयुग में प्रत्येक जीव जो है बहुत ही अनेक प्रकार के भार को उठाकर कष्ट से चल रहा है, उस भार को हरने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उस भार को, प्रत्येक जीव के भार को नष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, इसलिए वो लिख रहे हैं ताकि आगे चलकर इस चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से या उनके मुख से निकले हुए जो उपदेश या ये अमृत का सार है, ये हम सभी को प्राप्त हो। द इंस्ट्रक्शंस दैट इश्यूड फ्रॉम द माउथ ऑफ गौर आर द एसेंस ऑफ ऑल नेक्टर, द ग्रेट मास्टर श्री रूप गोस्वामी ड्रैंग दिस थ्रू हिज ईयर्स एंड देन रोट देम डाउन, प्रेजेंटिंग देम टू द जीवाज ऑफ कलियुगा इन ऑर्डर टू रिमूव देयर बर्डन। इस तरह से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को समझ लिए। तो आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे लिखते हैं, आई विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन, हाँ मैं पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा। Being merciful to the souls in the age of Kali, the ocean of mercy Sri Gaura Hari taught dharma in his 8 verses of instruction known as Shikshashtakam. हम सब शिक्षाष्टकम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना हम सब शिक्षाष्टकम? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु इस शिक्षाष्टकम को सिखा है, धर्म धर्म के विषय में, तो भक्तों का धर्म जो है ये 8 श्लोकों में शिक्षाष्टकम शिक्षा दिए 8 श्लोकों में। तो श्री रूप गोस्वामी जो है हु लर्न देम परफेक्टली फ्रॉम द डिवाइन माउथ ऑफ द लॉर्ड एंड अंडरस्टूड इट्स पर्पट, क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसके तात्पर्य को श्री रूप गोस्वामी बहुत खूब से जान लिए। तो आगे जीवेर कल्याण खनी प्रेम रत्न महामणि, अभी देखिए जीवों के कल्याण के लिए हाँ ये खान जो है रत्नों से भरा हुआ, उसमें प्रेम रत्न महामणि है, ये कौन सा ग्रंथ? गौर भक्त कंठहार उपदेश सार, उपदेश अमृत सार, सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, जो सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण है हम सब, और आगे आने वाले भक्त भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, और ये सब इस उपदेशामृत को कंठहार मतलब हमें बाय हार्ट करना चाहिए इसे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ये उपदेशामृत हमारे कंठ में रहना चाहिए, जिह्वा पर रहना चाहिए, समझे? तो श्री रूप गोस्वामी हु लर्न दिस परफेक्टली फ्रॉम द डिवाइन माउथ, रूपानुगे रूप निजे दिला,
रूपानुगा, हम सब रूपानुगा है, हमारे लिए श्रील रूप गोस्वामी इसे दिए है। तो ये दूसरे श्लोक का जो है इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, रोट अ सिंपल ज्वेल लाइक बुक एक्सप्लेनिंग इट विच इज अ माइन ऑफ गुड फॉर्चून फॉर द सोल एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ जेम। सिंपल बुक है, एकदम 11 श्लोकों का सिंपल ये है, और इतना सुंदर है कि ये एक जम के जैसा है, जैसे रत्न महामणि कहा गया है, समझ गया ना। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, इस उपदेशामृत को ग्रहण करना चाहिए या इसको कंठस्थ करना चाहिए। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवृत्ति कहकर जो कमेंट्री है उपदेशामृत का, उसके ऊपर ये लिखे है। तो यस, यहां पे ये भी आगे वापस लिखते हैं, उपदेशामृते मने यम श्रद्धा करी पठ करी लभ करी गौर हरी, लाभ करी लाभ करे गौर हरी, जाने रूप पद बिना भ्रम। जो बाय स्टडिंग इट विथ फेथ, अगर उपदेशामृत को हम श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करते हैं, यहां श्रद्धा करी पाठ करी लिखा है, श्रद्धा करी पाठ मतलब श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो श्री रूप गोस्वामी के जो कमेंट्रीज है उसके प्रति हमें कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, फ्री फ्रॉम ऑल मिसकंसेप्शंस। इसलिए रूपानुगा जनपद लभी बारे सुसंपद, रूपानुगा जनप्रीति तारे रूप उपदेश अमृत शुद्ध हरि जनधृत, अयोग्य समश्रय करे। अगर हमारी योग्यता भी अगर नहीं है इसका पालन करने के लिए, फिर भी हमें ये बार बार पढ़ना चाहिए। टू अटेन द डिवाइन वेल्थ ऑफ द फीट ऑफ श्री रूपर्स फॉलोअर्स एंड टू प्लीज देम, टेक फुल शेल्टर इवन इफ यू आर अनक्वालिफाइड इन श्री रूपर्स उपदेश अमृत विच इज रेवर्ड रिस्पेक्टेड बाय द लॉर्ड्स प्योर डिवोटी। क्योंकि उपदेश अमृत ये साधारण ग्रंथ नहीं, चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी इसको खूब रिस्पेक्ट देते हैं उपदेशामृत। अभी तक हमें उपदेशामृत नाम से ग्रंथ को जानते थे, हाँ पढ़ भी लिया है, लेकिन इसकी महिमा जो है हम कई आचार्यों के टीका के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझने का हम प्रयास करेंगे। अभी उपदेशामृत के पहले चार जो श्लोक है, उपदेशामृत के पहले चार जो श्लोक है, हाँ जैसे वाचो वेगम मनस वेगम, हाँ ये फिर बाद में हम चारों जो श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च वापस उत्साह निश्चय धैर्यात् फिर ददाति प्रति घृणाति, ये चार श्लोक जो है प्रमाण के रूप में श्रील रूप गोस्वामी अन्य ग्रंथों से लेते हैं और इस उपदेशामृत में रचना करते हैं, और उसमें थोड़ा चेंज भी करते हैं। ऑफकोर्स ये मत समझना, ये समझना अपराध होगा कि श्रील रूप गोस्वामी उन ग्रंथ में से लेकर अपने ग्रंथ में इसे डाल दिया और वो अपना समझे, नहीं है। हमारे श्रील प्रभुपाद के भी अगर भागवतम कहो, भगवद गीता कहो या चैतन्य चरितामृत कहो, उन श्लोकों के ऊपर टीका परपट्स तात्पर्य लिखते समय श्रील प्रभुपाद भी कई ग्रंथों से प्रमाण लेकर उस श्लोक को सिद्ध किया, भागवतम के या फिर चैतन्य उस श्लोक को सिद्ध किया। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी भी जो है महाभारत शांति पर्व में से ये 12वें स्कंद का, यू कैन सी दैट 269.15 महाभारत शांति पर्व में से ये उसमें ये श्लोक आता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम विवित्सा वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान विनय द्वि तपस्वी निंदा चास्य हृदयम नोपहयन हन्यत। मतलब यहां पे कहा गया है
महाभारत में ये वाचो वेगम, तो जो भी तपस्वी है, जो ऑस्टेरिटीज करते हैं, करना चाहते हैं, उनको इन चीजों पर तपस्या करनी चाहिए। किसके ऊपर? वाक, मतलब वाचा, या शब्दों पर, मन पर, गुस्सा जो है, क्रोध पर, अपने इंद्रियों पर, विवित्सा मतलब इंद्रियां, फिर उदर, और उपस्थ, और साथ ही साथ किसी के भी प्रति निंदात्मक भाव कहो या ईर्ष्या भाव को त्याग कर जब तपस्या करते हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसे महाभारत के शांति पर्व में ये कहा गया। और यहां से और एक भी श्लोक, ऐसा ही श्लोक महाभारत शांति पर्व में आगे वापस मिलता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम विवित्सा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषही विषयत्यो धीरनाम्स तम मन्य अहम ब्राह्मण वै मुनिम च, ये कहा गया। अगर ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हो, या फिर कोई संत महात्मा हो, मुनि हो, साधु हो, तो उनको इन चीजों पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये दो श्लोक हमें कहाँ मिलते हैं? महाभारत के शांति पर्व में। ये दोनों एक जैसे ही है श्लोक, और उसको श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले श्लोक में, वो इसकी हम चर्चा करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषयत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ये श्लोक इसी पर आधार है। देखो ये प्रमाण है, श्रील रूप गोस्वामी इसको प्रमाण मानकर लेते हैं और सिर्फ भक्ति से संबंधित करते हैं उसको, ठीक है ना। अभी दूसरे श्लोक, अदर लिटरली सोर्सेज जो है, तो ये जो है इस श्लोक, सॉरी, ये जो है दूसरा और तीसरा श्लोक भी वैसे ही दिखता है, सिर्फ उसमें योग और भक्ति का अंतर है। अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्प नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर योग विनश्यति। ये कहाँ पे दिया है? हाँ, हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है। ये समकालीन में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, 15वीं 15th सेंचुरी, समझ गया ना। हाँ, स्वात्माराम स्वामी इसे लिखे हैं। और चौथा श्लोक जो है, हाँ, ददाति प्रतिग्रहणाति भूयम अख्याति प्रच्छति भोंगते भोजयन्ते, ये जो श्लोक है ये एज इट इज, हाँ, पंचतंत्र में देखा जाता है। समझ में आ रहा है? पहले के चार श्लोक जो है वो प्रमाण के रूप में, कि एक साधारण व्यक्ति जब भक्त बन जाता है तो उसे किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसके कारण हम भक्ति में टिके रहेंगे और वैधी भक्ति से धीरे 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 रागानुगा भक्ति तक पहुंचेंगे। और जब रागानुगा भक्ति में पहुंच जाते हैं, नॉट आर्टिफिशियल, मैं ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ, नेचुरल रूप में जब रागानुगा भक्ति हमें प्राप्त होता है, तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि रागानुगा भक्तों को अगर गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम जो है उसे प्राप्त करना है, और खास करके श्रीमती राधा रानी का कृपा प्राप्त करना है, तो राधा कुंड के तट पर बैठकर साधना करना चाहिए। और कौन? वैधी भक्ति नहीं, रागानुगा भक्ति ही वहां पे बैठकर साधना करके इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे कहा गया। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उपदेशामृत का संबंध जो है, यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके अनुयायी इस विषय में इस तरह से कहते हैं, उपदेशामृत प्रैक्टिकली, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के पहले कोई नहीं जानता था, प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता था उपदेशामृत क्या है। इनफैक्ट तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय इतने सारे
अपसंप्रदाय स्थापित हुए थे कि कोई भी उपदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं था, सब अपनी मनमानी करते थे। सारे जो सो कॉल्ड साधु सब मनमानी करते थे। तो उपदेशामृत हमें सचमुच भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, उनके कारण हमें ये अद्भुत ये अमृत जो है हमें प्राप्त हुआ। समझे? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य जो है जब वृंदावन आए थे, सॉरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य जो है जब वृंदावन आए थे और राधा रमण मंदिर में गए थे दर्शन के हेतु। आप सब राधा रमण मंदिर के दर्शन किए हैं, श्री राधा रमण के दर्शन किए हैं आप? यस। तो वहां सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जब शिष्य गए थे तो वहां पे दिस इज इन 1940, 1940 की बात है ये। उस समय श्री वनमाली लाल गोस्वामी जो है वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट कहो या वॉट एवर जो है, श्री वनमाली लाल गोस्वामी वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों को ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कुछ समय पहले वृंदावन आए थे और मुझे मिले, और जब कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी उस समय उपदेशों के विषय में ऐसा शब्द निकला, तो मैंने हमारे लाइब्रेरी में से उपदेशामृत ये छोटा सा जो ग्रंथ है ये मैंने दिया उनको, क्योंकि उसके अंदर श्री राधा रमन दास गोस्वामी ने संस्कृत में टीका लिखी है उपदेशामृत पर, पहली संस्कृत के टीका दैट विल डिस्कस। तो उनके साथ भक्ति विनोद ठाकुर वो ग्रंथ को देखे और बाद में श्री वनमाली लाल गोस्वामी से परमिशन लिए, परवानगी लिए कि मैं इसके कुछ कॉपीज बना सकता हूं। तो उन्हें परमिशन दिया और उस कॉपी को लेकर और खास करके श्री राधा रमण दास गोस्वामी ने जो संस्कृत पर टीका लिखी है उपदेशामृत पर, हाँ सबसे प्रथम टीका अगर किसी ने लिखा है उपदेशामृत पर तो श्री राधा रमण दास गोस्वामी, ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के परंपरा में आते हैं। अब ये राधा रमण विग्रह जो है ये किनके प्राण धन है पता है ना आप सबको? हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन है, समझ गया, राधा रमण। तो उन्हीं के अनुयायी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुयायियों में, उनके परंपरा में श्री राधा रमण दास गोस्वामी एक बहुत महान आचार्य बने। उन्होंने इस श्री उपदेशामृत पर कमेंट्री लिखी, और कैसे? इंग्लिश, बंगाली या कोई ऐसा नहीं, संस्कृत पर पहली बार कमेंट्री अगर किसी ने श्री उपदेशामृत पर लिखा है तो वो राधा रमण दास गोस्वामी ने लिखा। और उनके मतलब राधा रमन दास गोस्वामी के टीकाओं को पढ़कर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो भी टीका लिखते हैं, अपने खुद के टीका लिखते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और उस टीका का नाम है पीयूष वर्षिणी टीका या पीयूष वर्षिणी वृत्ति कह सकते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर के टीका है, उन्होंने परमिशन लिया उनसे और फिर उसके ऊपर टीका लिखा। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, यहाँ पे मैंने दिया है, किसी को अगर मतलब स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बाद में सज्जन तोषिणी में भी इसको प्रसिद्ध किए, ये इसको लिखे, उसमें भी छापे,
उसको पीयूष वर्षिणी टीका कहा गया, ये ध्यान में रखिए उनके टीका को। और भजन लालसा जो एक ग्रंथ है जिसमें शरणागति आती है, और शरणागति ये सारे भजन जो है भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए भजन है शरणागति, और ये सारे भजन उपदेशामृत इसका बेस है, इसका मूल है। ओके, और फिर तो नेचुरली हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ को डिस्कवर किया। हाँ, वरना तो उपदेशामृत हमसे बहुत बहुत दूर रहता, और ये सारे ग्रंथों में महामणि ऐसा कहा गया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये इस तरह से कहा गया। और हमारे श्रील प्रभुपाद जो है इस उपदेशामृत को जो है विल सी दैट, देखो पीयूष वर्षिणी वृत्ति, फिर बाद में इन्हीं के पदचिन्हों पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है अनुवृत्ति लिखते हैं, हाँ, कॉमेंट्री 1915 में। हाँ, फिर बंगाली में भी इसका कॉमेंट्री लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, और इन 1975 हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस उपदेशामृत को नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंग्लिश में इसको लिखकर प्रसिद्ध करते हैं, और आज पूरे दुनिया में ये श्री उपदेशामृत फेमस है, पूरी दुनिया इसके कॉमेंट्रीज प्रभुपाद के माध्यम से पढ़ रही है। और लिखते समय देखो भक्ति विनोद ठाकुर जब लिख रहे थे तो उनके कॉमेंट्री, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपदेशामृत पर कॉमेंट्री लिख रहे थे तो उनके कॉमेंट्री बहुत भिन्न है, अलग अलग है, क्योंकि उस समय के लिए लोगों को क्या जरूरत थी, इस समय के लिए लोगों को क्या जरूरत है, और श्रील प्रभुपाद के समय, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार किए, और उनके कॉमेंट्रीज इतने सरल, एक साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। इस तरह से उन्होंने श्रील प्रभुपाद जो है हमारे फाउंडर आचार्य इसको कॉमेंट्रीज लिखे हैं, और हम इसकी चर्चा हाँ आगे करेंगे। अभी लेट्स सी प्रभुपाद क्या लिखते हैं। अनलेस वन इज सिचुएटेड एज प्योर वैष्णवा इन हिज डीलिंग, इन हिज बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड, जब तक शुद्ध वैष्णव अगर बनना है तो उसके डीलिंग्स में मतलब उसका स्वभाव बाहर से भी अंदर से भी, तब तक हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट बिकम अ प्रीचर बिकॉज इट विल नॉट बी इफेक्टिव, इसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। नाइदर वन शुड हियर फ्रॉम सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति से सुनना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया। बट पीपल इन जनरल दे कैनॉट अंडरस्टैंड, बट दोज हु आर प्रीचिंग, जो प्रचार कर रहे हैं वो भक्त सचमुच सिंसियर बने, दे मस्ट बी वेरी सिंसियर, सिंसियर बनो द सेम वे जिस तरह से रूप रघुनाथ पदे हैबे अकुति, उनकी कृपा प्राप्त हो हमें, हाँ इस तरह से आप, इसलिए हमें सिंसियर बनना चाहिए ताकि उनके ग्रंथों को हम अच्छी तरह से समझ सके। दे शुड रीड द लिटरेचर्स द इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक उपदेशामृत, समझ गए ना, इस लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। इसके पहले हमने देखा कि अयोग्य भी अगर है तो हमें इसे पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए, जब तक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है बार बार इसे पढ़ते रहो, ये कहा गया है। दे शुड रीड द लिटरेचर द इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक उपदेशामृत द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी शुड फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो, वी शुड फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो देन पृथ्वी से शिष्या, फिर हमारी बात सब लोग सुनेंगे, हम प्रचार कर पाएंगे, देन यू विल बी एबल टू प्रीच एंड मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज द इंजंक्शन।
दैट इज कॉल्ड गोस्वामी, वो है गोस्वामी। डोंट बी चीप प्रीचर, समझ गया ना? हाँ, साधारण सस्ते प्रचारक मत बनो, सस्ते गुरु मत बनो। डोंट बी चीप प्रीचर, चीप गुरु, नो नो, दैट इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद जो है ये मायापुर में 6 मार्च को 1976 को श्रीमद् भागवतम के क्लास में या उनके लेक्चर में ये हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैं इसका कंक्लूजन, प्रभुपाद ने इस तरह से कहा है कि हमें अगर प्रचार करना है तो ये इंस्ट्रक्शंस को आत्मसात करना पड़ेगा, इतने बार पढ़ना पड़ेगा कि जब हम इसे अच्छी तरह से समझ पाए, तब तक हमें पढ़ना चाहिए, जब तक हम इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। समझ पाने के बाद फिर हम एक अच्छे प्रचारक बन जाते हैं और हमारी बात को लोग समझते हैं, सुनते हैं, और हम उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहकर इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद् गुरुर एव मे नहि। इस ग्रंथ की चर्चा के समय निश्चित रूप से मेरे मेरे द्वारा काफी गलतियां हुई होगी, लेकिन आप विद्वान हैं, आप समझ ले सकते हैं या समझते हैं और मेरे गलतियों को माफ कर सकते हैं। यद अत्र सौष्ठवं किंचित, अगर इसमें तुम्हें कुछ अच्छा मिला है तो कृपा करकर तद गुरु एव, मेरे गुरुजनों का स्मरण कीजिए, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, यहाँ तक कि हमारे पूर्व आचार्य जो है श्रील रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर या जितने भी आचार्य है, वो आचार्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्य और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य जो है उनको ये क्रेडिट जाता है। इसमें से आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तद गुरुर एव, मैं नहीं, मेरे लिए ये क्रेडिट नहीं है, मैं जो कुछ भी सीखा हूँ उनसे ही सीखा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम ABC से लेकर बोलने के जो तरीके है मैं उन्हीं से सीखा हूँ, इसलिए कृपा कर ये क्रेडिट मुझे नहीं, मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आप भी मेरे गुरुओं के समान हैं, गुरुजनों के समान हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। बोलिए बोलिए प्रभु जी, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता, ये स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है ये हिंदी में हो तो? प्रभु जी मेरे पास समय नहीं था हिंदी लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो ये इंग्लिश में है। और एक्चुअली क्या, हिंदी से ज्यादा अच्छी तरह से मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, इसीलिए मेरे को सुलभ जाए, इसलिए मैंने इसको इस भाषा में रखा है। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ओके, शुड वी स्टॉप हियर, यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरा मेरा एक प्रश्न है। यस प्रभु। श्रील रूप गोस्वामी जी क्या उस समय उपस्थित थे जब चैतन्य महाप्रभु ये उपदेश दे रहे थे?
या किन लोगों को चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि सिलेक्टेड लोग होंगे अगर वो सार दे रहे हैं सभी का तो, और यस, यहाँ पे लोगों को। लिखा गया है कि श्री श्रील रूप गोस्वामी भी वहां पे थे और वो अपने कानों के द्वारा पान कर रहे थे, सुन रहे थे, और हाथ में लेखनी मतलब पेन लेकर नोट कर रहे थे। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुवृत्ति के अंत में कहते हैं। बट जो क्लोज डिसाइपल्स होंगे महाप्रभु के, ऐसा कोई मेंशन है उसमें कि इनके साथ ये भी थे ये भी थे? वो देखना पड़ेगा, ऐसा तो अनुवृत्ति में तो ऐसा नहीं दिया है, वी हैव टू सी दैट। हो गया स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, श्रील हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो एकदम निकट के भक्त थे, और ऑब्वियसली श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनको तो अपने साथ में रखेंगे ही, ऐसा मेरा ये है विचार। एनी अदर क्वेश्चंस? तो सही जो सत्र है, नेक्स्ट सोमवार से हमारा एक्चुअली पहला श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, हमें पता चलना चाहिए कि रूप गोस्वामी किस आधार पर श्री उपदेशामृत लिखे हैं और हमको किस तरह से वो धीरे धीरे वैधि भक्ति से लेके रागानुगा भक्ति तक ले जाएंगे। और हम सभी को भी सचमुच अगर हमें ये क्या कहते हैं चांस नहीं मिलता है कि राधा कुंड के तट पर रहने का चांस अगर नहीं मिलता है, तो ये कहा गया है कि आप मन से राधा कुंड पर रहकर, राधा कुंड में रहकर साधना कर सकते हैं। अगर हाँ चांस मिलता है तो शरीर के माध्यम से या फिजिकली, तो हमें रहना तो चाहिए ही, अगर नहीं भी किसी प्रकार से अगर इसका ये अवसर नहीं मिलता है तो हमें मन से कम रहकर वहां पे साधना करनी चाहिए, या जप करते समय हमें अपने आप को राधा कुंड के तट पर है ऐसा स्मरण करते रहना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू हरे वेरी मच। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, प्रभु जी अभी ये बोल रहे थे कि वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति, तो मतलब ये रूपानुगा भक्ति, तो वो कैसे समझ सकते हैं वैधि हाँ भक्ति? देखो, एक्चुअली हम जो अभी कर रहे हैं वो वैधि भक्ति है, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। सुबह 4:30 बजे उठना, मंगल आरती करना, अपना जप करना, फिर पाठ पठन करना और सेवाएं करना, सारे आरती करना, ये सब वैधि भक्ति में आता है। वैधि भक्ति में साधना, ये साधक के काम। फिर धीरे धीरे जैसे स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्वाभाविक रीति से हो जाता है, जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं थोड़ा डांट कर वगैरह, क्योंकि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, थोड़ा डांट कर या मार कर इस तरह से भेजते हैं, लेकिन जब स्कूल जाना उसका स्वभाव बन जाता है, अरे मुझे तो पढ़ना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो स्वाभाविक रीति से वो स्कूल जाता है। तो उसे वो स्वाभाविक रीति से जो प्रेम या भाव जो उत्पन्न होता है हृदय में, वो राग कहा गया है उसे, समझ गया? वो हाईएस्ट लेवल है। हम सब फिलहाल तो वैधि भक्ति में ही आते हैं, तो शायद ये ग्रंथ या उपदेशामृत हमें रागानुगा भक्ति का या हमारे हृदय में थोड़ा झलक तो उत्पन्न करेगा ही, ये उपदेशामृत। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।